हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर, फ्लूइड्स इन मोशन। अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब पानी होते हैं, मींस पानी की बजाय हम कोई गैस भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे हम फ्लूइड्स की। अब फ्लूइड्स में और लिक्विड में क्या फर्क होता है? देखो फ्लूइड्स का मतलब होता है जो फ्लो कर सकता है। अब लिक्विड भी तो फ्लो कर सकता है, तो ठीक है, तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं, बट लिक्विड के अलावा कुछ और भी होता है जो फ्लो कर सकता है, होता है, गैसेस फ्लो कर सकती है। तो फ्लूइड्स का मतलब होता है कि जो चीज फ्लो कर सकती है, चाहे वो लिक्विड है या फिर वो गैस है। तो फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? लिक्विड और गैस, दोनों के दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। अभी तक हमने स्टडी किया था कि अगर फ्लूइड्स रेस्ट में होते हैं, मींस बिल्कुल आराम से ही है, उनके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे फ्लूइड्स की स्टडी हमने की थी। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि अगर यही फ्लूइड्स मोशन के अंदर है, फ्लो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, और उस टाइम पे फ्लूइड्स के फ्लो करने से कौन कौन सी रियल लाइफ एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, मींस बहाव है फ्लूइड्स के अंदर। अब हम ये बोलते हैं कि अगर कोई फ्लूइड होता है वो मोशन में है, दैट मींस वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मींस फ्लोइंग फ्लूइड, फॉलोइंग फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल मींस जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, दैट मींस उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा जीरो, मींस इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो ये इनकम्प्रेसिबल होने से, अब देखो जो भी फ्लूइड हमने लिया उसकी क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो दैट मींस उसका मास चेंज नहीं होगा। अगर वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट मींस वो इनकम्प्रेसिबल, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लोइंग फ्लूइड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। मीन्स अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल और उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट है। अभी यहाँ पे ये तो कम्प्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये लिक्विड है फ्लो करता है वो किस वे से फ्लो कर सकता है? अब यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि लिक्विड कैसे फ्लो करेगा, वो तो ऐसे ऐसे करके मूव करता जाएगा, बट नहीं, लिक्विड के भी फ्लो करने के डिफरेंट टाइप्स होती है। क्या वो लिक्विड बिल्कुल आराम से डिसेंट बच्चों की तरह फ्लो कर रहा है, जैसे होते हैं ना बहुत डिसेंट स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको लाइन में चलना बिल्कुल सीधी लाइन में चलेंगे टीचर चाहे देख रहा है या नहीं देख रहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो लाइन को जिगजैग मोशन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो किस वे से फ्लो कर रहा है, क्या वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में फ्लो कर रहा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, या फिर वो जिगजैग मोशन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं कि जो फ्लूइड होगा, जो फ्लोइंग फ्लूइड होने वाला है, मान लेते कि एक टाइम पे उसके अंदर क्या है? रेगुलर मोशन है, और एक ये हो गए इरेगुलर मोशन। और रेगुलर फ्लो का मतलब क्या होगा? बिल्कुल इनोसेंट शरीफ से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तरह जो बिल्कुल सीधी लाइन में फ्लो कर रहे हैं। और इरेगुलर फ्लो का मतलब जो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, नोटी स्टूडेंट्स की तरह, जो लाइन को जिगजैग बना देते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर जो फ्लूइड होता है वो मोशन में होता है, और इन्हीं के बेसिस पर उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस आने वाली हैं। देखो रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब जो रेगुलर फ्लो होता है, जो बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर एक लाइन के अंदर चल रही है, तो उस टाइप में हम उसको बोलेंगे कि वो क्या? एक स्ट्रीम लाइन
फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझने के लिए हम एक पाइप लेते हैं, ठीक है, ये पाइप हो गई। इस पाइप के अंदर जो पानी जा रहा है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर वेलोसिटी होगी v1, सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, थर्ड पॉइंट पर वेलोसिटी है v3, ठीक है। अब जब लिक्विड यहां से एंटर करेगा तो एंटर करते ही इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी पर एक रेस्ट्रिक्शन लगी। रेस्ट्रिक्शन का मतलब एक जो चीज है ये एक पॉइंट थोप दिया है कि इसकी वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए, ये अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं चल सकते, इसकी वेलोसिटी इतनी फिक्स है और वो कितनी है v1। जैसे ही v1 से आगे गया v2 पर फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2, फिर से उस पर थोप दिया कि वेलोसिटी होनी चाहिए v2, इससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जब थर्ड पॉइंट पर गया तो उसकी वेलोसिटी होगी v3, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई पीछे से दूसरा पानी फिर से आ रहा है, अब पानी यहां वाला लिक्विड क्रॉस कर गया, फिर से पानी आएगा, फिर से जो लिक्विड आएगा यहाँ पे कितनी भी कम ज्यादा वेलोसिटी हो, लेकिन इस पॉइंट पे आते ही जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी और कितनी रहेगी v1। इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहे कितनी बार ही पानी फ्लो करता रहे, पीछे से चाहे कितना ही पानी आता रहे, कितनी भी स्पीड से आता रहे, लेकिन इस पॉइंट पर आते ही उसकी वेलोसिटी पर रेस्ट्रिक्शन लग गई है कि इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कभी भी हाईवे पर जा रहे हैं, ठीक है, हाईवे पर हम कितनी भी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद कोई भी रोड आता है जहां पे टूटा फूटा होता है या बेंड होता है, एकदम से जो टर्न आ जाता है, तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखी होती है बोर्ड्स के ऊपर कि आगे का जो एरिया है वो ढलानदार है, या फिर वहां पे जो टूटे फूटे रोड है वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो वहां पे ये लिख देते हैं कि इस एरिया में इतनी स्पीड पर गाड़ी चलाएं। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगी ना हमारी गाड़ी के ऊपर, हाईवे पे हम कितनी भी स्पीड से गाड़ी चला सकते, बट उस जगह पे आती एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है जब बोर्ड देखते कि यहाँ पे इतनी ही स्पीड पे गाड़ी हमें चलानी पड़ेगी। तो ये वही रेस्ट्रिक्शन है, चाहे वो उस पॉइंट पर कि कोई भी गाड़ी है, किसी VIP की गाड़ी है, नॉर्मल बंदे की गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन है कि इतनी स्पीड पर गाड़ी चलानी है। तो यही रेस्ट्रिक्शन इस पॉइंट पर है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी v1 है ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी और यहां से कोई भी व्हीकल क्रॉस कर रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी ही रहेगी v1, कम या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब जो जितना भी फ्लूड यहां से फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी हमेशा v1 रहेगी, यहाँ पे v2 और यहाँ पे v3। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि v1, v2 और v3 इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड ऑफ एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टेंट होती है, एक पॉइंट के ऊपर लिक्विड के या फ्लूड के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, कितना भी फ्लूड आए इसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। बट वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट मे बी डिफरेंट, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, बट एक पॉइंट के ऊपर हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। वही केस कि जब बोर्ड पे लिख दिया तो हर एक व्हीकल, चाहे वो व्हीकल किसी का भी हो, हर एक व्हीकल की स्पीड क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो वही केस है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, ठीक है। अब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यहां से एक टर्म और सुनने को मिलती है हमें, वो होता है स्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो, स्टीडी फ्लो का मतलब होता है कि जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो, बिल्कुल ढीठ टाइप की है कि वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पे जितना भी फ्लूड है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो ही नहीं रहा है, उसका जो फ्लो है वो स्टीडी है, ठीक है। जब फ्लो स्टीडी होता है उसको हम बोलते हैं स्टीडी फ्लो। जब लिक्विड का फ्लो टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे स्टीडी फ्लो। और जो स्टीडी फ्लो, ये स्टीडी फ्लो ही है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका जो मोशन है इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी v1 ही होगी, इस पर जाके v2 ही होगी, इस पर जाके v3 ही होगी,
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक घंटे बाद जो लिक्विड आएगा तो वहां पे इसकी स्पीड V1 की बजाय कुछ और भी हो सकती, नहीं होगा। एक घंटे बाद, एक आवर बाद, या फिर 5 आवर बाद, या फिर 1 ईयर बाद, कितने भी टाइम के बाद अगर कोई लिक्विड का पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा V1 ही रहेगी। इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं स्टीडी फ्लो बोलते हैं। अब स्टीडी फ्लो, तो यहाँ पे जो ये फ्लो है ना, इसका मीनिंग, इसको जब हम बोलते हैं ना स्टीडी फ्लो है, तो ये जो टाइप हो गई ना, ये टाइप स्टीडी फ्लो है। इसने जो ये पाथ कवर कर दिया, यहां से एंटर किया 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर एग्जिट कर गया, तो इस पाथ को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्टीडी फ्लो का दूसरा नाम है स्ट्रीम लाइन फ्लो। बट स्टीडी फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो का जो ये पाथ है, इसका नाम हमने दे दिया स्ट्रीम लाइन। जैसे रोड के ऊपर जो व्हीकल जा रही है, उस रास्ते का नाम हमने दे दिया रोड, ठीक है। अब हम बोल देते हैं कि रोडवेज है ये, ठीक है, रोडवेज बस, रोडवेज कार, ये जो भी बोलना है, ठीक है। अब रोडवेज वर्ड से ही आगे एक रोड, रोड मतलब जहां पे सारी व्हीकल्स जा रही हैं, तो ये जो पाथ है, जैसे अगर बस जाती है तो यहाँ पे इसका नाम रोड हो गया, ट्रेन जा रही है तो इसका नाम ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक। इसी तरह फ्लूड फ्लो कर रहा है स्टीडी फ्लो के अंदर, तो इस पाथ का नाम हमने रख दिया है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन पाथ, स्ट्रीमलाइन पाथ। और मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन। तो क्लियर हुआ है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 1 के ऊपर हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टीडी फ्लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो नोटिस स्टूडेंट्स वाला केस, कि अगर जो पानी है वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, वो एक लाइन में मूव ही नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे उस फ्लूड का नाम क्या होगा। अब नेक्स्ट फ्लो हमारे पास आता है लैमिनार फ्लो। अब देखो, अभी हम सोचेंगे कि हमने तो अभी तक दो ही टाइप के फ्लूड के फ्लो के बारे में पढ़ा, रेगुलर और इरेगुलर। अब ये थर्ड वाला कहां से आ गया? देखो, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसी से रिलेटेड है लैमिनार फ्लो। अब हम समझते हैं कि लैमिनार फ्लो क्या होता है। जो स्ट्रीम लाइन फ्लो था वो हमने देखा था कुछ इस तरह से, कि यहाँ पे एक पॉइंट जो होता है वहां पर सभी पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल इसको क्रॉस करेंगे, सभी की वेलोसिटी V1 हो जाएगी। एक पॉइंट होता है V2, उसी के लेयर में भी हो सकता है, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी V2 और यहाँ पे होगी वेलोसिटी V3। मान लेते हैं कि एक स्पेशल केस में ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग लाइंस के अंदर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस मान लिया कि तीनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो है V1, V2 और V3, और वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब तीनों की ही वेलोसिटी क्या हो गई? इक्वल हो गई। जैसे आर्मी वाले चलते हैं ना लेफ्ट राइट करके, वहां पे हर एक सोल्जर की स्पीड सेम होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं वो हर एक लाइन के अंदर। तो यहां पर भी देखो, अगर इन एक लेयर के अंदर जो पार्टिकल एंटर कर रहा है उसकी स्पीड सेम रहने वाली है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड मान लो V1 डैश, इसकी V2 डैश, यहाँ पे V3 डैश, ठीक है। अगर तो ये तीनों की तीनों इक्वल नहीं है तो ये फ्लो बन जाएगा, यहां से जब लिक्विड फ्लो करेगा तो वो बन जाएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। बट अगर यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो हो गई इक्वल, तीनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी हो गई इक्वल, तो वहां पे जो फ्लो बन जाएगा लैमिनार फ्लो, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना, कोई जरूरी नहीं है जितनी वेलोसिटी ये थी उतनी ही वेलोसिटी ये हो, ये वेलोसिटी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यही लैमिनार फ्लो होता है। देखो, लैमिनार फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो ही है एक तरह से। लैमिनार फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो का एक स्पेशल केस बोल सकते हो, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के अंदर तो इन तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, और लैमिनार के अंदर इन तीनों की तो सेम होती है, बट इस लेयर की जो वेलोसिटी होती है ऊपर वाली लेयर से कम ज्यादा हो सकती है, मतलब डिफरेंट होती है। तो इसको समझने के लिए देखो, हम बहुत इजी सा डायग्राम बनाएंगे हम, कि एक लेयर की वेलोसिटी ये है, दूसरी लेयर की इससे थोड़ी सी ज्यादा है, तीसरी लेयर की इससे थोड़ी ज्यादा है,
फोर्थ लेयर की इससे ज्यादा है, फिफ्थ लेयर की इससे ज्यादा है, सिक्स्थ की में भी कम हो, सेवन्थ की इससे भी कम हो और एट्थ की इससे भी कम हो। बट यहाँ पे देखो सभी लेयर्स की वेलोसिटी एक दूसरे से तो अलग है, बट इस पूरी लेयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी एक ही रहेगी वी वन, हर एक पॉइंट पर सेम वेलोसिटी रहेगी वी वन। ठीक है, यही लैमिनार फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो का मतलब फ्लूइड्स फ्लो ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना रही, मीन्स एक लेयर, इस पूरी लेयर में जितने भी पार्टिकल है सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। उसके बाद सेकेंड लेयर, इसमें भी जितने पार्टिकल है सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है लेयर्स की वेलोसिटी, जैसे इसकी v2, v3, इसकी v5, कोई जरूरी नहीं है वी वन वी थ्री के इक्वल हो, नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये होता है लैमिनार फ्लो, और लैमिनार फ्लो इज ए स्पेशल केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब स्ट्रीमलाइन के अंदर सब कुछ आ गया है, लेकिन लैमिनार फ्लो उसका एक स्पेशल केस है। क्लियर है यहाँ पे ये? ठीक है, ये हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? देखो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी इंडिया के अंदर ड्राइविंग कैसे होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बोर्ड लगा, पढ़ा रहने दो बोर्ड के, तो क्या फर्क पड़ता है? तो लिखा होगा वहां पे 60 की स्पीड पर, हम चलाएंगे 80 की स्पीड पे, कोई नेक्स्ट आने वाला 90 की स्पीड पे चलाएगा, कोई 50 की स्पीड पे चलाएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अपनी मर्जी से चलाते हैं हम व्हीकल, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है, मतलब हम टर्बुलेंट है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन नहीं, हम टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट अपनी मर्जी से चलते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकते कि इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाओ, गवर्नमेंट गई भाड़ में। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पोस्टर, वो जो बोर्ड लगाया उसमें कोई यूज नहीं होता, कोई नहीं देखता उसको। ठीक है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसको हमारा सोचो, स्पेशली दिल्ली के रोड्स, ठीक है, दिल्ली के रोड्स के अंदर होता है, एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, दूसरा जाएगा ऐसे, तीसरा आ रहा होगा ऐसे, चौथा जाएगा इस तरह से। ठीक है, जब जो फ्लो होता है बिल्कुल रैंडम होता है, हम बोल ही नहीं सकते कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो जा कहाँ पे रही हैं, किस पार्टिकल पे स्पीड कितनी होने वाली हो, जब पार्टिकल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही ना हो। ठीक है, बिल्कुल रैंडमली जिग-जैग मोशन में मूव कर रही हैं, तो उस टाइप के मोशन को, उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि अब देखो, ये तो हो गया हमारा वो सिंबल वाले एग्जांपल्स। अगर हम देखें कि पानी की फॉर्म में देख लेते हैं, जब एक पाइप होता है, उस पाइप को अगर हम नहीं दबाते हैं, पाइप ले लिया या फिर टैप ले ली, तो वहां से जो पानी निकल रहा होता है ऊपर से, वो होता है स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल स्मूथली नीचे गिर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं, टैप के नीचे जाते हैं, वहां पे फ्लो बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो, वहां पे पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टिकल देखो, ये घुस रहे हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर कोलाइड करने वाले हैं, कोलाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसी तरह एक पाइप जहां से पानी बाहर निकल रहा है, अगर उसके मुंह पे आगे, उस आगे वाले पोर्शन पे अगर हम फिंगर रख देते हैं, तो वहां से जो फ्लो है वो कैसा बन जाता है? टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसकी दो लेयर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब ये वाले इस तरह से, चाहे इनकी वेलोसिटी इक्वल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करने की प्रॉपर्टी टर्बुलेंट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस कर गई तो मतलब एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी हो गई। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अब एक टाइम पे हम इस डायरेक्शन में खड़े हो सकते, ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पे ऐसे भी खड़ी हो सकते और ऐसे भी खड़ी हो सकते, पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे हम इस तरह से खड़े हो सकते हैं, इस तरह से खड़े हो सकते हैं, या फिर इस तरह से खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर दो स्ट्रीम लाइन्स एक पॉइंट पर क्रॉस कर गई तो मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई फ्लूइड की, कि ये जो मार्कर है एक टाइम पे इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये या तो इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा, एक ही टाइम पर ये दोनों जगह नहीं जा सकते। अगर उस साइड गया तो इस साइड कुछ नहीं होगा, इस साइड आ तो उस साइड कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि टू स्ट्रीम लाइन्स कांट क्रॉस ईच अदर, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि टू
स्ट्रीम लाइन कांट क्रॉस इज अदर। जो स्ट्रीम लाइन्स होती वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। स्ट्रीम लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। स्ट्रीम लाइन की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो स्ट्रीम लाइन होती है मतलब जो पाथ होता है, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, स्ट्रीम लाइन पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट दिखाएगा पार्टिकल्स की मोशन को या पार्टिकल्स की वेलोसिटी को कि पार्टिकल उस तरफ जा रहे हैं इस तरफ आ रहे हैं। अगर इस स्ट्रीम लाइन पाथ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरफ तो मतलब पार्टिकल यहां पे मूव कर रहे हैं। अगर तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे इस तरफ तो मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करें, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन। टेंजेंट ऑन स्ट्रीम लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स या फिर डायरेक्शन टेल्स अबाउट द वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टीज है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं होती। स्ट्रीम लाइन मतलब लेमिनारी हो गया तो यही हो गया इसकी प्रॉपर्टीज भी, लेकिन टर्बुलेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। टर्बुलेंट रैंडम होता, मीन्स रैंडमली मूव कर रहे जिगजैग मोशन के अंदर।